देखिए ये आपके दूसरा चैप्टर सामाजिक विज्ञान का योग में समाजवाद एवं दूसरी क्रांति से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और साथ में उनका उत्तर भी दिया गया। जैसे रूस की क्रांति 30 वर्ष में हुई थी, रूस की क्रांति 30 वर्ष में हुई थी जिसका उत्तर है 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जार साम्राज्य का पतन कब हुआ, जार साम्राज्य का पतन कब हुआ इसका उत्तर है 15 मार्च 1917 ईस्वी को। 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार साम्राज्य का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ का उत्तर है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उस समय वहां के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोला द्वितीय था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ की स्थापना कब हुई, तो देखिए सोवियत संघ की स्थापना सन 1932 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है रूस में मजदूरों को क्या कहा जाता है, तो रूस में मजदूरों को सर्वहारा कैसे सर्फ भी कहते सर्फ। अगला क्वेश्चन है रूस में भीषण अकाल कब पड़ा था, तो रूस में भीषण अकाल 1916 से 1917 ईस्वी के बीच पड़ा था। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर है 7 मार्च। 7 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है वर्साय की संधि कब हुई थी, तो वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी।